Very good morning, students. Today we will discuss about levels of management. So mainly there will be three levels of management: upper level management, middle level management and lower level management. So आगे हम देखेंगे कि इनके क्या क्या roles हैं और क्या क्या authorities, responsibilities हैं इनके. The term level of management refers to a line of demarcation between various managerial positions in an organization. जो level of management है वो क्या है? Line of demarcation, मतलब line of separation between various managerial positions. ये जो levels of management है ये segregation कर देता है, separation कर देता है कि हर एक managerial position की क्या क्या पोजीशन है, उनकी क्या क्या रोल्स हैं, क्या क्या उनकी अथॉरिटीज़ हैं. ठीक है. द नंबर ऑफ लेवल्स इन मैनेजमेंट इंक्रीजेज व्हेन द साइज ऑफ द बिजनेस एंड वर्क फोर्स इंक्रीजेज. मेनली यहाँ पे तीन ही लेवल्स होते हैं, बट ये लेवल जो है वो इंक्रीज भी हो जाते हैं जैसे जैसे जो बिजनेस का साइज है वो इंक्रीज होता है या फिर वर्क फोर्स जो है वो इंक्रीज हो जाती है. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे अपर या टॉप लेवल मैनेजमेंट या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल. ठीक है. इट कंसिस्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सीईओज, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स. एमडी मींस मैनेजिंग डायरेक्टर्स. ठीक है. द टॉप मैनेजमेंट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ अथॉरिटी एंड इट डिवोट्स मोर टाइम ऑन प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग फंक्शंस. जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, सीईओज हैं या फिर एमडीज हैं, वो क्या करते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा टाइम प्लानिंग और कोऑर्डिनेटिंग फंक्शंस पे ही डिवोट करते हैं. ठीक है. इनके क्या क्या रोल्स हैं? टॉप मैनेजमेंट लेज डाउन ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज फॉर एन एंटरप्राइज. जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, सीईओज हैं, एमडीज हैं, वो क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं. प्लानिंग में वो ऑब्जेक्टिव को सेट करते हैं और पॉलिसीज बनाते हैं कंपनी की. इश्यूज नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस. ये जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस जो है वो इशू करते हैं टू मिडिल लेवल मैनेजमेंट. ठीक है. देन अपॉइंट्स एग्जेक्टिव्स फॉर मिडिल लेवल मैनेजमेंट. टॉप लेवल मैनेजमेंट मिडिल लेवल एग्जेक्टिव्स को भी अपॉइंट करते हैं, उनकी रिक्रूटमेंट करते हैं, उनकी सिलेक्शन करते हैं. देन प्रोवाइड्स गाइडेंस एंड डायरेक्शन. ये उनको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, नेसेसरी गाइडेंस एंड डायरेक्शन उनको प्रोवाइड करते हैं. किनको? मिडिल लेवल मैनेजमेंट को. देन मिडल लेवल मैनेजमेंट या फिर एग्जीक्यूटरी लेवल. मिडल लेवल मैनेजर्स आर ब्रांच एंड डिपार्टमेंटल मैनेजर्स. ये पर्टिकुलर ब्रांच के मैनेजर्स होते हैं या फिर किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के मैनेजर्स होंगे. दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द टॉप मैनेजमेंट फॉर द फंक्शनिंग ऑफ देयर डिपार्टमेंट. जैसे इनके एग्जाम्पल हैं, जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं किसी भी कंपनी में. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, ठीक है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट है. तो उनके एक पर्टिकुलर ब्रांच या फिर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के जो मैनेजर्स होंगे वो कौन होंगे? एग्जीक्यूटिव लेवल ऑफ मैनेजमेंट या फिर मिडिल लेवल मैनेजमेंट. ठीक है. ये कंपनी की फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. ठीक है. अपने पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. इनका क्या क्या रोल है? दे एग्जीक्यूट प्लान्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉर देयर डिपार्टमेंट. जो डिपार्टमेंटल मैनेजर्स होंगे, मिडिल लेवल मैनेजर्स होंगे, वो क्या करेंगे? प्लान्स बनाएंगे ऑर्गेनाइजेशन के लिए और अपने पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए. दे पार्टिसिपेट इन एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ लोअर लेवल मैनेजमेंट. जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है वो क्या करेंगे? एम्प्लॉयमेंट, रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग करेंगे लोअर लेवल मैनेजमेंट की. ठीक है. They acts as a bridge between top and middle level and interpret the policies of the top to lower level. ठीक है. यहाँ पे आएगा they act as a bridge between top and lower level and interpret the policies of top level to lower level. जो middle level management है वो एक link की तरह काम करते हैं, एक bridge की तरह काम करते हैं. वो क्या करते हैं? Top level management के जो भी instructions होंगी, जो भी policies होंगी, वो लोअर लेवल मैनेजमेंट को बताएंगे और एग्जीक्यूट करवाएंगे. दे कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज विद इन द डिपार्टमेंट. वो डिपार्टमेंट के वर्कर्स की जो एक्टिविटीज है उसको कोऑर्डिनेट करवा के रखेंगे. देन लोअर लेवल मैनेजमेंट ऑब्लिग ऑपरेटिव लेवल.
Lower level is also known as supervisory operative level. It consists of supervisors, foremen, section officers, etc. इसके क्या क्या roles हैं? Assigning jobs and tasks to various workers. जो भी lower level management में supervisor होंगे, foremen होंगे, section officers होंगे, वो क्या करेंगे? कि workers को उनकी jobs assign करेंगे और task assign करेंगे कि आपके आज के दिन के क्या क्या task हैं जो आपने पूरे करने हैं, आपसे क्या expect किया जा रहा है, ठीक है? Then providing guidance and instructions to workers for day-to-day activities. जो भी सुपरवाइजर्स हैं, फोरमैन हैं, वो क्या करेंगे? गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे एंड इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करेंगे वर्कर्स को कि उन्होंने अपने टास्क को, अपनी जॉब को, अपनी एक्टिविटीज़ को कैसे परफॉर्म करना है, क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या लिमिटेशंस हैं, क्या क्या पॉलिसीज हैं जिनको उन्होंने फॉलो करके ही अपनी अपना जॉब जो है वो पूरी करनी है. देन रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी एंड क्वान्टिटी ऑफ प्रोडक्शन. जो भी सुपरवाइजर हैं, फोरमैन हैं, लोअर लेवल मैनेजमेंट में, वो क्या हैं? वो रिस्पॉन्सिबल हैं क्वालिटी के लिए और क्वांटिटी के लिए, ठीक है? जो भी प्रोडक्शन हो रही है, प्रोडक्शन की क्वालिटी और क्वांटिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे. देन दे अरेंज नेसेसरी मटेरियल एंड इक्विपमेंट फॉर गेटिंग थिंग्स डन. जो सुपरवाइजर्स हैं, फोरमैन हैं, सेक्शन ऑफिसर्स हैं, वो क्या करेंगे? अरेंज करते हैं नेसेसरी मटेरियल, टूल्स, इक्विपमेंट्स कि जो वर्कर्स हैं वो काम कैसे करेंगे. वर्कर्स को काम करने के लिए नेसेसरी टूल्स चाहिए, इक्विपमेंट्स चाहिए, मशीनरी चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, तो तभी वो प्रोडक्शन कर सकते हैं. तो ये जो सारी नेसेसरी चीज़ें हैं वो उनको प्रोवाइड करवाएंगे. क्लियर?